हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नया स्वेटर बनाकर दिखाऊंगी। ये बची हुई ऊन है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये छोटी छोटी ऊन बेकार हो जाती है। तो मैं इसमें छोटे बच्चे का स्वेटर बनाऊंगी। तो आपने कभी अगर तीन फंदे से स्वेटर बनाया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ज़रूर देखें और स्वेटर बना के देखें, आपको अच्छा लगेगा। तीन फंदे से शुरू करते हैं। आप एक कलर से भी बना सकते हैं, अपनी पसंद के कलर से भी। ये मैं बची हुई ऊन का बना रही हूँ। ये बड़े बच्चों का भी बन जाता है, बड़ी लड़कियों का भी बन जाता है, जैसे बड़े टीनेजर बच्चे वो भी पहन सकते हैं। ऐसा डिजाइन है ये। तो ये मैंने तीन फंदे डाल लिए हैं। अब मैं पहली सिलाई इसी तरह उल्टे उल्टे बना लूँगी। अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। मैं धागे में गांठ ज़रूर लगाती हूँ जिससे खुलने के चांस रहते हैं, फिर सारा स्वेटर उधड़ता चला जाता है, तो इसलिए गांठ ज़रूर लगा दीजिए। साथ ही जब हम ये बनाएंगे तो इसके साथ ये धागा को दबा दूँगी। तो देखिए इस तरह से तो हमारी ये उल्टी सिलाई भी हो गई। अब देखिए, अब हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, अब तीन फंदे थे तो हमारे ये पांच फंदे हो गए। उल्टी सिलाई में नहीं बढ़ाना है। फिर सीधी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाऊंगी। अभी थोड़े कम फंदे हैं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है फंदे बढ़ाने में। और इधर भी बढ़ा लूँगे। तो इसी तरह हमें दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए, अब उल्टी सिलाई से फिर दूसरा कलर लगाऊंगी। ये दो से तीन साल तक के बच्चे के लिए है। अभी मैं छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि जिस हिसाब से ऊन बचती है उसी हिसाब से आप बनाइए। और अगर आपको नई ऊन से बनाना है तो फिर आप अपने अनुसार ही बनाएंगे और अपने अनुसार ही ऊन लेंगे। अभी जब ये सीधी साइड है तो यहाँ पर फंदा बढ़ाऊंगे। बाकी ये जो कलर वाली ऊन लगाई है ये मैंने उल्टे उल्टे बनानी है।
इस तरह से। इसकी हमने दो ही सिलाइयाँ बनाई हैं, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से। एक कलर ज़्यादा लगाना है और एक कम। अब देखिए ये सीधी साइड है तो हमने ये फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11 फंदे हो गए। तो इसी तरह बढ़ाते हुए हमने 55 फंदे करने हैं। देखिए अब इसके बाद दूसरा कलर लगाऊंगी। और सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाते हुए। इसी तरह 55 फंदे कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स हमारे ये 55 फंदे हो गए हैं। अब आगे क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। तो हमने इधर आगे ऐसे इधर एक तरफ हमने एक फंदा बढ़ाना है और इधर दो का एक करना है। तो इसी तरह लंबाई होने तक हमने इसी तरह बनाना है। एक तरफ घटाना है, इधर बढ़ाना है और इधर घटाना है। आप किधर भी कर लीजिए, चाहे इधर कर लीजिए चाहे इधर, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि एक तरफ एक फंदा घटाना है, एक तरफ एक फंदा बढ़ाना है। यानी कि 55 हैं तो इतने ही फंदे हमारे रहने चाहिए, ना कम करने हैं ना ज़्यादा है। तो इधर मैं एक फंदा बढ़ाऊँगी इस तरह से। पहले हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाया था क्योंकि हमने यहाँ पर तीन फंदे से शुरू किया था। तो अब हमने इधर हमने फंदा बढ़ा लिया है, बाकी हमने वैसे ही बनाना है जैसे अभी बनाया था। सभी फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाऊंगी इस वाले कलर में।
ये देखिए, अब इधर हमने दो का एक करना है, धागा पीछे करूँगी और इस तरह से दो का एक कर दूँगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होगी। अब यहाँ पर हमने कलर भी चेंज करना है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। इस तरह से फिर पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाऊंगी। ये देखिए अभी हमने बढ़ाया था फंदा, अब यहाँ पर हमने दो का एक करना है। तो इसी तरह जितनी हमने लंबाई रखनी है वहाँ तक हमने हर सीधी सिलाई पर ऐसे ही बनाना है। एक तरफ बढ़ाना है तो एक तरफ घटाना है। तो लंबाई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आप लंबाई होने तक बना लीजिए, उसके बाद आगे बताऊंगी। क्योंकि ये 3 साल तक के बच्चे का है, 3 से 4 साल के बच्चे का, तो बहुत ज़्यादा फंदे नहीं रखने हैं। ये हाफ पोर्शन है, देखिए फ्रेंड्स इसकी लंबाई स्वेटर की हो गई है। तो देखिए ये वाला जो है पोर्शन ये फ्रंट में आएगा ये चीज़, और ये वाला साइड में, ये देखिए ये वाला साइड में आएगा। तो अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए अब यहाँ से हमने 8 फंदे इधर भी बॉर्डर बनाना है और 8 फंदे का इधर भी बॉर्डर बनाना है। तो बीच में हमने वो मैं आपको बताती हूँ बना के। पहले हमने इतना बता दिया है कि ये देखिए एक तरफ हमने बढ़ाए थे और एक तरफ घटाए थे। यहाँ पर यहाँ से शुरू किया 3 फंदे से, तो दोनों तरफ हमने बढ़ाते हुए ये 55 फंदे हमने बना लिए थे। तो इसके बाद हमने इधर हम बढ़ाते गए और इधर एक एक फंदा घटाते गए, तो हमारे 55 के 55 ही हैं अभी ऊपर फंदे यहाँ पर। तो अब आगे क्या करना है कि पहले हमने 8 फंदे, ये हमारी उल्टी सिलाई है तो पहले मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। देखिए सीधी सिलाई, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 7 फंदे उल्टे ले लूँगी, तो इसको मिला के टोटल 8 फंदे हो जाएंगे। ये हो गए हमारे 8 फंदे। अब इसके बाद धागा पीछे करके छः फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, 2 फंदे उल्टे, फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदे उल्टे। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। इधर 8 फंदे उल्टे छोड़ दूंगी,
उल्टे बनाने हैं, मतलब ये देखिए 6 सीधे फिर 8 फंदे उल्टे, यानी कि 7 उल्टे और एक हमने इधर से स्लिप करके लिया है। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। आप देखिए फिर पहले 8 फंदे उल्टे ये देखिए 8 फंदे उल्टे, उसके बाद 6 फंदे जो हैं इनको हमने इस तरह से चेंज करके 3-3 फंदे मोड़ डालना है। ये डिजाइन डाल रही हूँ, आप कोई सा भी बुनाई आप इसमें डाल सकते हैं अपने पसंद से। मैंने ये मोड़ वाला डिजाइन डाला हुआ है, आप दूसरा कोई भी आपको जो पसंद हो आप डालिए, तरीका यही होगा। यहाँ पर हमने ना फंदे घटाने हैं ना बढ़ाने हैं साइड में, जैसे हमने यहाँ पर किया था एक तरफ एक फंदा घटाया तो दूसरी तरफ बढ़ाया, यहाँ हमारे पूरे के पूरे फंदे रहेंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा, क्योंकि 55 थे तो एक फंदा हमने यहाँ पर कम कर दिया है। जब हमारा ये पूरी बुनाई पूरी हो जाएगी तो आगे बढ़ाने के लिए जैसा हमने ये बनाना है दूसरी तरफ, तो मैं वहाँ पर एक फंदा बढ़ा लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर बुनाई से सही से सेट नहीं हो रही थी तो मैंने एक फंदा कम कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर बुनाई डालनी थी। तो इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर ये बुनाई सीधे फंदे पे। दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और यहाँ पर बुनाई। फिर सभी फंदे सीधे बना लूँगी 6 के 6। फिर 2 फंदे उल्टे,
फिर 8 फंदे उल्टे बॉर्डर के। ये आप सोच रहे होंगे दोनों तरफ बॉर्डर क्यों आ रहा है, एक तरफ गले पर आएगा और एक तरफ बगल की पट्टी होगी। एक तरफ गले का बॉर्डर होगा, इधर ये देखिए ये वाला जो है इधर गले का बॉर्डर आएगा और इधर बगल की पट्टी। इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए सीधी तरफ से 8 फंदे उल्टे, जैसे पहली सिलाई में बताया था 6 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, इसी तरह बनाना है। ये देखिए 8 फंदे उल्टे 6 फंदे सीधे। फिर 2 फंदे उल्टे। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। अब उल्टी सिलाई से ये वाला धागा लगाऊँगी। सॉरी यहाँ पर ये बॉर्डर के फंदे बनाने हैं 8। पहले 8 फंदे बॉर्डर के बना लूँगी। दो 4 6 8। अब इसके बाद ये वाला कलर लगाऊंगे। उधर 8 फंदे बनाने के लिए हमें ये वाला कलर इधर अलग से लगाना होगा, तो मैं अभी लगा के दिखाती हूँ। यानी कि दोनों तरफ से हमें ये कलर लेना होगा लाइट कलर वाला। चार चार 8। अब यहाँ पर मैं दूसरा ऊन जोड़ लूँगी। इस कलर से मैं 8 फंदे बनाऊंगी। उसके बाद ऊन को आगे लाकर जो दूसरी ऊन है उससे इधर बनाकर ले जाऊंगी। तो देखिए कैसे करना है, इसको पीछे करके फिर इस तरह से क्रॉस करके लाना है, इस तरह से, जिससे कि यहाँ पर जाली ना आए। और हमने इसको उल्टा उल्टा बनाना है।
देखिए इस धागे को इस तरह से लेकर और इसको इस तरह से क्रॉस करना है। फिर इसको हम ऐसे आगे लाकर ये आठ फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं ये वाले। तो इसी तरह हर बार हमने इस धागे को दबाकर ही लॉक करके ही लेना है, नहीं तो ये जाली पड़ जाएगी यहाँ पर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से हमने ये चैन ज़रूर बनानी है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ये देखिए अब पूरी लाइन हमने इस कलर से ही बनानी है। इसकी हमने सिर्फ दो सिलाइयाँ बनानी है, एक उल्टी तरफ से एक सीधी तरफ से। तो इसी तरह बुनते जाना है, थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बनाना है। तो आगे हमने इसी तरह बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, सीधी सिलाई में छः सीधे दो उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, दूसरी सिलाई में हमने ये मोड़ कर फंदे डालने हैं, तीसरी सिलाई उल्टी, चौथी सिलाई में फिर हमने इसी तरह छः सीधे दो उल्टे। तो इसी तरह हमने बना लेना है। कितना बनाना है वो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये हमने इतना पूरा कर लिया है, ये मैंने यहाँ से और यहाँ तक बुनाई डाल के बनाया है। तो मैं इसको इसकी लंबाई भी आपको बता देती हूँ, ये मैंने 11 इंच रखा है। तो ये लंबाई के बाद हमने जो बनाया है ये देखिए, ये हो गई स्वेटर की लंबाई। और उसके बाद ये दोनों पोर्शन फ्रंट और बैक दोनों ही एक साथ बनेंगे। तो अब देखिए ये आधा इस तरह से आएगा, ये देखिए इस तरह से आएगा। तो ये हो गया फ्रंट या बैक कुछ भी आप कह लीजिए, और आधा इधर हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ आगे यहाँ से और यहाँ तक बनाना है। तो हमने तीन फंदे से शुरू किया था, लास्ट में हमने तीन फंदे तक ही जाना है बना के। तो अब कैसे करना है ये देखिए, तो जैसे हम यहाँ से बनाकर लाए थे यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो कैसे करना है, अब हमने यहाँ तक बना लिया, अब ये यहाँ से इधर हमने देखिए इधर हमने घटाए थे, इधर एक एक फंदा घटाया था और इधर एक एक फंदा बढ़ाया था। तो अब हमने इधर एक एक घटाना है और इधर बढ़ाना है, ये चेंज करना है बस, इधर घटाना है और इधर बढ़ाना है। तो इस तरह आप आगे बनाकर ले जाना है। अब ये बॉर्डर भी हमारा बंद हो जाएगा क्योंकि अब हमने सेम ऐसे ही बनाना है जैसे ये बनाया था, ऐसे बनाना है। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा बनाऊंगी, इस तरह से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया था।
इस धागे को हमने किनारे तक ले जाना है, जिससे कि हम उल्टी साइड से हमने ये लगाना है। ये वाली लाइन आएगी दूसरे कलर की, अब उल्टी तरफ से हमने दूसरा कलर लगाना है। पूरी उल्टी सिलाई, उल्टी ही बनाऊंगी इधर से। इधर से भी उल्टा उल्टा बनाऊंगी इस कलर का। यहाँ पर एक फंदा घटाना था शुरू में, ये देखिए इधर की साइड। ये देखिए पहले दो का एक करूँगी, फिर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए इधर हमने एक फंदा बढ़ाना है। इधर मैंने एक फंदा बढ़ाना है। फिर इधर से दूसरा कलर लगाना है। और उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा बनाते हुए और हर सिलाई पर फंदा एक तरफ घटाना है, एक फंदा एक तरफ, एक फंदा बढ़ाना है। तो हमने यहाँ तक इसको बना लेना है। ये देखिए यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक हमने फंदे बढ़ाए थे दोनों तरफ, और एक तरफ से फिर फंदा एक घटाया और एक बढ़ाया। तो इसी तरह अब यहाँ तक हमने बना लेना है, एक तरफ फंदा एक बढ़ाकर और एक घटाकर इसको बना लेना है। हर सीधी सिलाई पर हमने एक फंदा घटाना है। ये देखिए मैंने दो का एक कर दिया और लास्ट यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। हर सीधी सिलाई पर फंदे हमें बराबर ही रखने हैं। तो ये दो पोर्शन में बनेगा, एक हमारा ये हो गया,
ये देखिए इस तरह से, और एक देखिए ये हो गया, ये दूसरा भी मैंने बना के रखा हुआ है, ये देखिए सेम ही बनेंगे। बस यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरा पल्ला एक साथ बनेगा, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक। तो इसको हम फिर फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनाना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारा गला हो गया, ये देखिए ये गला आएगा, और ये बगल की पट्टी, और ये रही हमारी लंबाई स्वेटर की, ये देखिए इस तरह से दोनों पोर्शन सेम ही बनेंगे। और ये है बगल के नीचे लंबाई, ये देखिए इस तरह से। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से शुरू करना है, तो अगर बच्चा बड़ा है तो आप फंदों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 55 फंदे रखे हैं, उसके बाद इधर से मैंने एक एक फंदा घटाया और इधर से बढ़ाया, फिर इसके बाद इतना बना के, तो जिधर हमने बढ़ाया था उधर हमने घटाया है, और जिधर घटाया था उधर बढ़ाया है, ये देखिए इस तरह से। तो ये दो पोर्शन इस तरह से एक जैसे ही बनेंगे, फिर ये एक पोर्शन जुड़ जाएगा इस तरह से बैक में, और फ्रंट में हमने यहाँ पर कोई फैंसी बटन वगैरह कुछ लगा लेना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके फिर दिखाती हूँ। तो इधर मैंने एक फंदा घटा दिया है, लास्ट में एक फंदा बढ़ाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पोर्शन भी हमारा पूरा हो गया है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, हर सीधी सिलाई पर दोनों तरफ हमने एक एक फंदा कम करना है, यानी कि घटाना है, जो मैंने यहाँ पर बताया था। ये देखिए ये तीन फंदे से शुरू किया था और यहाँ तक हमने बढ़ाए थे, तो इस तरह से ये कॉर्नर आया, तो यहाँ से हमने दोनों तरफ से अब घटाने हैं। ये देखिए यहाँ से आप ये लाइनें गिन सकते हैं, या आप नाप के अपने आप, ये देखिए कितना इसके बराबर हो गया या नहीं। बस उसके बाद हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए तीन फंदे तक ले जाना है इसको। तीन फंदे के बाद हमने इसको बंद कर देना है, क्योंकि हमने तीन फंदे से शुरू किया था, और इसी तरह के हमने दो पोर्शन बनाने हैं। एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, सेम ही बनाने हैं दोनों। ये देखिए दोनों एक ही डिज़ाइन के और एक बराबर इस तरह के बन के तैयार होंगे। ये देखिए, तो यहाँ से हमने बगल के नीचे से यहाँ तक सिलाई लगानी है, और ये जो है ये फ्रंट में हमने खुला रखना है, और बैक साइड हमने सिल देना है दोनों पोर्शन को एक साथ मिला के, ये चीज़ सिलनी है। तो हमारा ये बी गला बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये घटा के सभी फंदे फिर दिखाती हूँ आपको।
वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। आपको अगर बड़े बच्चे का बनाना है तो आप इसमें फंदे ज़्यादा रखेंगे। मैंने ये 55 फंदे लिए हुए हैं, बनाए हुए हैं, तीन फंदे के बाद जो बढ़ाए हैं वो 55 रखे हुए हैं। इस तरह से इधर भी 2 का 1 कर दिया। उल्टी साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाऊंगी, इधर से हमें फंदे नहीं घटाने हैं। इस तरह से हर सीधे सिलाई पर एक एक फंदा घटाना है। ये देखिए इधर भी 2 का 1 कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगी। ये देखिए सभी फंदे हमारे घट गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको बंद कर देती हूँ। इस तरह से देखे
के पूरा तैयार हो गया है। अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसको इस तरह से उल्टा करके फिर दोनों पोर्शन को जो ये ज़्यादा वाला पोर्शन है ये मैंने फ्रंट और बैक बनाना है ये वाला, और ये वाला साइड में ये साइड की सिलाई लगेगी यहाँ पर। तो पहले मैं इसको सिल देती हूँ। इस तरह से यहाँ से और यहाँ तक, ये देखिए। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये लाइन मिलनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। जब हम प्लेन बनाते हैं, एक कलर का बनाते हैं, तब भी सिलाई का ध्यान रखना होता है, नहीं तो ऊपर फिर जाके छोटा बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये चीज़ हमारी एक साथ होनी चाहिए, ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड सिल गया है। अब मैं इसको साइड में सिलूंगी, दोनों साइड, यहाँ से और यहाँ तक दोनों साइड सिल के दिखाती हूँ। ये यहाँ से इतना,
देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सरक बनके तैयार हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें डोरी लगाई हुई है, बाकी पूरा खुला हुआ है। और यह है, ये देखिए बैक साइड दोनों तरफ एक जैसा है। ये देखिए, इधर से सिलाई लगाई हुई है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।